फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। होली पर जहां पूरा देश उत्साहित है, तो संगम नगरी प्रयागराज की मशहूर लोकनाथ चौराहे की कपड़ा पाड़ होली, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और आज यहां जमकर होली खेली जा रही है। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर लोग चेहरे पर पीएम मोदी का मुखौटा लगा हुआ है और लोग जमकर होली का आनंद ऐतिहासिक लोकनाथ की होली पर लेते दिख रहे हैं। डीजे की धुन पर बजते नाकाबंदी और होली के दिन मिल जाते हैं पलम पिचकारी जैसे गानों पर नाचते गाते युवाओं थिरकते दिख रहे हैं। चौक के लोकनाथ इलाके में जहां हर कोई उत्साहित है और सुबह से ही कपड़ा पाड़ होली खेल रहे हैं और देश के कोने कोने में जहां भी यहां के लोग होते हैं आज के दिन यहां इकट्ठा होते हैं और होली खेलते हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना है आयोजन का, आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार प्रयागराज, ये विश्व प्रसिद्ध लोकनाथ की होली लोकनाथ मिलन संघ द्वारा आयोजित की जाती है। हमारी होली आजादी के पहले की होली है जो तो लगातार अनवरत बढ़ती जा रही है। आज की डेट में इस समय लगभग 15 से 20 हजार बच्चे यहाँ पर लगी साथ नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इस समय यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर डीजे के साउंड बेहतरीन और उसके साथ कागज की कतरन उड़ाई जाती है, CO2 गैस के साथ गुलाल उड़ाया जाता है, फूलों की वर्षा की जाती है, उसके बच्चों को होली खिलाई जाती है। इसका कोई पुराना वो था नहीं, आजादी के पहले से खेली जाने वाली होली है और देश के बहुत बड़े बड़े पुरोधा हरिवंश राय बच्चन, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद नेहरू जी, सब लोग बड़े लोग यहाँ पर होली खेलते थे, यहाँ पर बड़े हुए हैं और लोग आस पास में प्रेम उन्माद में आपस एक दूसरे कपड़ा पाड़ देते थे। यहाँ पर पूरे देश में, दुनिया में कहीं पर भी कोई आबादी है तो आज दिन यहाँ होगा, लोकनाथ जरूर आएगा, बाकी आसपास दो चार जिलों से लोग यहाँ देखने आते हैं। मैं निखिल पांडे, अध्यक्ष लोकनाथ मिलन संघ। संगम नगरी प्रयागराज की होली का अद्भुत नजारा है। प्रयागराज की हम होली दिखा रहे हैं आपको लोकनाथ की, जहाँ का ये दृश्य है जहाँ लोग सुबह से ही इकट्ठा होते हैं और होली खेलते हैं। और आपको बता दें, देश के कोने कोने से जो भी इलाहाबाद के प्रयागराज के लोग यहाँ आते हैं और होली खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसे कपड़ा पाड़ होली कहा जाता है और लोकनाथ पर होलियारे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और ये अद्भुत नजारा है प्रयागराज की होली का, जहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग होली खेल रहे हैं और कितना लोग उत्साहित है और सुबह से ही यहाँ लोग पहुंच जाते हैं और रंग में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और एक बार सबसे खास बात ये है कि आप देख सकते हैं पीएम मोदी के दूसरे को जहाँ पर लोगों ने फूल चढ़ाया उनके सम्मान में और उसके बाद यहाँ होली खेलना शुरू हुआ है। और लोगों में जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच कर होली खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से धूम है लोगों की, लोग उत्साहित है। ये अपने आप का उत्साह देखने वाला है। प्रयागराज में एक तो होली है वो 3 दिन खेली जाती है, 2 दिन लोकनाथ में और तीसरे दिन खटेरी बाजार में, जहाँ लोग पहुँच कर होली खेलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और हर कोई अनजान होता है मगर इस तरह का यहाँ लगता है कि वो बरसों से उन्हें जानते हैं। और आपके दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, एक अद्भुत नजारा है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज शहर दक्षिणी से विधायक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने सुलाखी चौराहे पहुंचे थे। बता दें, मंत्री नंदी के आवास क्षेत्र में जहां सुलाखी चौराहा है और जहां पर आज वे होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मंत्री नंदी ने होलिका दहन कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना की और होलिका दहन की, तो जिसके बाद वहाँ पर उनके समर्थकों ने मंत्री नंदी को बधाई देते हुए रंग गुलाल लगाया और साथ ही मंत्री नंदी ने भी अपने समर्थकों को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। बता दें, जहां रात 10:30 बजे के बाद भद्रा हटते ही होलिका दहन कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो शहर के विभिन्न इलाकों में होलिका दहन हुआ, तो वहीं आज सुलाखी चौराहे बहादुरगंज में भी मंत्री नंदी के आवास पर करीब होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ जिसमें मंत्री नंदी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में अब एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें उपहार बांटने के डब्बों पर मंत्री नंदी व उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा
नंदी गुप्ता और बीजेपी के पोस्टर लगे दिखाई दिए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, ब्रिज मंगल इंटर कॉलेज रामपुर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी का स्टिकर लगा उपहार बांटने का मामला सामने आया, तो कॉलेज प्रशासन उसका विरोध लिखित सूचना SDM कृष्णा को भेजी। प्रशासन की टीम वहां जाकर निरीक्षण किया तो लोग जा चुके थे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रकरण की जांच की जा रही है। बता दें, कॉलेज एक राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान दो गाड़ियों से कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने उपहार से बैग बांटने शुरू कर दिए, जिस पर मंत्री नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा का फोटो था। ब्रिज मंगल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनीष तिवारी को जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध जताया, साथ ही तहसील प्रशासन को भी सूचना दी। प्रधानाचार्य ने SDM को सूचित किया तो कॉलेज में अवकाश के समय कुछ महिलाओं को उपहार बांटे जाने थे, विरोध करने पर लोग चले गए, ये आदर्श आचार संहिता का विरोध है। हालांकि पूरे मामले की सच्चाई अभी सामने नहीं आ पा चुकी है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा ने भी लोकसभा चुनाव की टिकट की दावेदारी करी, इसलिए मामला चर्चा में है। फिलहाल इस पर पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता कहना है, कौन बांटने गया था उन्हें नहीं मालूम है, और साथ ही जो लोग बांटने गए तो उनसे पूछा जाना चाहिए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।